हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं संतोष, आपके अपने संतोष अनुभव ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण। और यहाँ पे हमारी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और दिन है संडे का, तो संडे की शुरुआत कुछ इस तरह से हो रही है। और ये हमारे घर में छोटा बेबी आ गया है, तो आप लोगों के साथ मैंने कहा था कि मैं आपको इससे मिलवाऊंगी और इसकी आपको बातें भी सुनवाऊंगी। और ये बहुत गाड़ी साफ कर ली, सारी बातें करता है और इसकी उम्र के पीछे बहुत ऐसे ऐसे और पीछे नहीं करी अभी गाड़ी धो लिए हैं और सुबह पीछे कर लेते भाई। लेकिन संडे का दिन है, उसके बावजूद भी हम लोगों ने चाबी दो काम में। अच्छा चल, चाबी देती हूँ तुझे पहले। वजह ये हो जाती है कि संडे अब चाबी दे दूंगी तो तू चलाएगा गाड़ी, पीछे कर देगा। हम लेडीजों को कभी छुट्टी नहीं मिलती है और आज संडे का दिन है तो आज तो और भी ज़्यादा काम हो गया है, क्योंकि घर में सारे ही जने हैं। जने तो सारे सैटरडे को भी थे, लेकिन सैटरडे की रात को सारे जने हम बाहर बैठे हुए थे, मतलब सभी पड़ोसी वगैरह सब बाहर बैठे हुए थे। और बातें करते करते हमें लोगों को ये ही ज्ञात नहीं हुआ कि हम रात को कितनी देर तक बाहर बैठे रहे, और लाइट भी नहीं आ रही थी। तो आप लोगों को जैसे जानते ही हो कि गर्मियाँ और लाइट की दोनों की दुश्मनी चलती है, गर्मी आ जाएंगी तो लाइट भी पहुंच जाएगी। और इस टाइम यही हाल हमारे इधर हो भी रहा है, एक रात को बहुत देर तक लाइट नहीं आई और हम सब जने बाहर ही बैठे रहे। इन्वर्टर तो है लेकिन इन्वर्टर से एसी तो नहीं चल सकता ना, तो बस इसी वजह से हम सब जने बाहर बैठे रहे और बातें करते रहे। और बातें करते करते हमें टाइम का पता ही नहीं चला कि कितना टाइम बाहर हो गया, और जब लाइट आई तब सब जने अंदर आए और तब सोने लगे। तो फिर इस तरह से काफ़ी हम सवेरे लेट ही आँख खुली है, लेकिन हाँ इतना भी लेट नहीं खुली आँख जितना कि समझें हम अपने आप को। अभी समथिंग 8:30 का ही टाइम हो रहा है, तो बस इतना ही लेट हुए हैं। और मैं तो थोड़ा जल्दी भी उठ गई थी पहले से ही, और मैंने मशीन लगा दी थी तो कपड़े वगैरह मैंने वॉश कर दिए हैं। और वर्मा जी ने उठ के जल्दी से सबके लिए चाय बनाई और हम सब जनों ने चाय पी ली। तो अभी चाय पीने का ही सिलसिला चालू है, और उसी बीच में वो बाबू भी आ गया खेलने के लिए, तो सब जने इस तरह से उसके संग खेलने भी लग गए। और अब मैं सब्जी काट ले रही हूँ, तो मैं काट रही हूँ भिंडी, और हमारी भिंडी कट चुकी है और मैंने सब्जी वगैरह बना के रख दी है। तो नाश्ता आज सब अपने मन मुताबिक करेंगे, आज जिसका जो मन होगा आज उसको छूट है, बाहर का खाओ चाहे घर का खाओ, आज सबको छूट है इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे सब जने अपना अपना नाश्ता जो जिसका मन होगा वो कर लेंगे। और मुझे करनी है आज क्लीनिंग, वो भी बाथरूम की क्लीनिंग करनी है। और वैसे तो मैं हफ्ते में एक बार इसको ज़रूर साफ करती हूँ, लेकिन इस बार मुझे 15 दिन करीबन हो गए। और वो 15 दिन इसलिए हो गए क्योंकि बीच के हफ्तों में मैं वहाँ चली गई थी, जब बीच में सैटरडे संडे पड़ा था तब मैं घूमने के लिए मसूरी चली गई थी, तो इसी वजह से मैं उस सप्ताह में इसे साफ़ नहीं कर पाई बाथरूम को। तो यही कारण था जो कि मेरा बाथरूम रह गया था साफ़ होने के लिए। नहीं, मैं इसे वीकली साफ़ करती रहती हूँ और ये मेरा बाथरूम बिल्कुल चमचमाता रहता है। तो बकेट में तो मैंने डाल दिया है जो हार्पिक होता है नीला वाला, वो वाला हमने हार्पिक डाल दिया है, और वो ही मैंने इसके मग में डाल दिया है। तो दोनों चीज़ को मैंने हार्पिक डाल के और थोड़ी सी देर को इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था, और तब तक मैंने टैलो पे भी हार्पिक डाल दिया था और उसे अच्छी तरह से फैला भी दिया, और अब अच्छे से उसे साफ़ कर दूँगी। तो मैंने एक बर्तन बना रखा है, उसमें मैंने साबुन रख रखा है बर्तन मांजने वाला, उसी में ही से ही अब मैं इसकी साफ़ सफ़ाई कर दूँगी। क्योंकि वैसे तो मैं साफ़ कर चुकी हूँ इसे हार्पिक से टैलो को, अब बस मुझे साबुन से साफ़ करनी है। और टैलो को मैं हार्पिक से साफ़ कर देती हूँ तो बिल्कुल एकदम चमक जाती हैं, लेकिन कुछ उसमें एक रेशा सा रह जाता है वाइट कलर का, उसको साफ़ करने के लिए मैं बस इस्तेमाल करती हूँ जो बर्तन मांजने वाला साबुन होता है उसका। तो मैं बर्तन मांजने के लिए एक्सो इस्तेमाल करती हूँ, तो बस उसी से ही सब साफ़ कर देती हूँ। तो इसी तरीके से मेरा बाथरूम बिल्कुल चमचमाता रहता है। और ये आप लोग को सोचोगे कि इनका ये जो टैल वगैरह लग रही हैं ये कब से लग रही हैं, तो तकरीबन इसे 15-16 साल से ऊपर ही हो गया होगा, जो कि मेरी टाइल अभी तक वैसे की वैसे ही है। जब ये हमारा घर बना था तभी हमने ये टाइल वगैरह लगवाई थी, तो तब से ये ऐसे ही है। और जब देखो रेगुलर साफ़ करते रहो ना चीज़ को, तो इतनी ख़राब नहीं होती है। लेकिन मैंने बहुत से घरों में देखा है जो कि बिल्कुल भी साफ़ सफ़ाई नहीं करते हैं टाइलों की,
हाँ अब तो पहले से काफ़ी साफ सफाई करने लग गए हैं, लेकिन पहले नहीं किया करते थे। सिर्फ लगवाने का शौक़ होता था टैलों को, लेकिन सफाई का शौक़ नहीं होता था उन लोगों को। तो उनके टैले जो हैं बिल्कुल काली काली सी हो जाती हैं। तो देखिए आप लोग थोड़ा सा सफाई पे ध्यान दोगे तो आपका बाथरूम एकदम क्लीन रहेगा, चमकता रहेगा बिल्कुल मेरे बाथरूम की तरह से। और मैंने इसे डिवाइड कर रखा है, मतलब या तो मैं हफ्ते में साफ़ करती हूँ और नहीं तो मंथली भी साफ़ करती हूँ। इस तरह से मैंने कुछ साफ़ करने का एक टारगेट बना रखा है अपना। तो जो मुझे हफ्ते में साफ़ करना होता है वो होती हैं टाइल्स वगैरह हैं, नीचे का फ्लोर है और ये बकेट वगैरह है, इन सबको मैं वीकली साफ़ करती हूँ। और जो मंथली का रूटीन है मेरा वो मंथली में मैंने जो ऊपर सारा सामान वगैरह रखते हैं, जैसे कि हमारा कॉर्नर लग रहा है और रैक वगैरह लग रही हैं, मंथली क्लीन कर लेते हैं। तो कुछ तरह से मैं अपना बाथरूम की क्लीनिंग वगैरह करती रहती हूँ। तो पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने हार्पिक से साफ़ कर दिया है, अब ये मैं सारा इससे मांज दे रही हूँ, जो हमारे बर्तन मांजने वाला जूना होता है और जो बर्तन मांजने वाली साबुन होती है उससे। तो अब जो भी इसके ऊपर जो वाइट कलर का एक स्पॉट आ जाता है वो सारा साफ़ हो जाएगा और बिल्कुल क्लीन हो जाएगी हमारी टाइल्स। और दूसरी बकेट में मैंने कपड़े भी भिगो दिए हैं जो मुझे हाथ से धोने हैं। तो वैसे तो मैंने मशीन लगा के सारे कपड़े धो ही लिए हैं, लेकिन अपनी साड़ी वगैरह हैं, बच्चों के कपड़े हैं जो कि अच्छे कपड़े होते हैं, महंगे कपड़े होते हैं, और वाइट वाले कपड़े हैं जो कि हाथ से ही धुलने के लिए होते हैं। तो कुछ जो मेरे हाथ से कपड़े धुलने वाले होते हैं रेगुलर वाले, उनको मैंने सारे बाल्टी में भिगो दिया है। और वैसे तो मैं रोज़ ही नहीं धोती हूँ कपड़े, देखिए इसमें कोई बताने वाली नई बात नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अब मैं बाथरूम की क्लीनिंग कर रही हूँ तो साथ में मैंने पहले कपड़े भी भिगो दिए हैं, तब तक वो फूल भी जाएंगे और मैं इधर बाथरूम की क्लीनिंग भी हो जाएगी, तो दोनों काम मेरे एक साथ हो जाएंगे। और जब तक मैं बाथरूम में रहूँगी तब तक मेरे सारे ही काम निपट लेंगे। तो कुछ इस तरह से मैं अपनी बाथरूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ, और इसी तरह से मैं अपनी फ्लोर की, बाथरूम की फ्लोर की भी क्लीनिंग हो गई है, टैब वगैरह की भी क्लीनिंग हो गई है। तो कुल मिला के मैं इस तरह से ही काम करती हूँ। और जो मैंने बाल्टी में कपड़े भिगोए थे तो वो मैंने गुनगुने पानी में भिगोए थे। अब आप लोग सोचोगे कि गुनगुना पानी इतनी गर्मियों में क्यों भिगोए थे, तो जो ऊपर टंकी में हमारी जो टैंक होता है उसमें पानी इतना गुनगुना हो जाता है, गर्म ही एक तरह से मान लो, तो उसी के पानी से मैंने बस कपड़े भिगो दिए थे। तो मैंने सर्फ तो डाला नहीं था, लेकिन मैंने इजी डाला था उसमें और इजी में सारे कपड़े भिगो दिए थे। तो अब अच्छी तरह से उनका मैल कट चुका है और अब बस मैं उन्हें भीड़ भीड़ के जल्दी जल्दी धो दूँगी। तो इस तरह से कपड़े धो तो काफ़ी जल्दी धुल भी जाते हैं और ईजी भी रहते हैं कपड़े की धुलाई करना। और मैं तो इसी तरह से देखिए रेगुलर कपड़े धोती हूँ, अगर आप लोग कोई और तरीके से धोते हैं तो वो बात एक अलग की है, लेकिन फ़िलहाल हमने कपड़े वगैरह सारे वॉश कर लिए हैं। तो आज मुझे कुछ कुल मिला के नाश्ते की से तो छुट्टी मिल गई है कि हाँ मुझे नाश्ता नहीं किसी को कराना है, तो जब तक मुझे नाश्ता नहीं कराना तो चलो मैंने अपना दूसरा काम कर लिया। तो देखिए एक काम को रोक के दूसरा ही काम कर सकते हैं, करने वाले अकेले हैं तो भाई देखिए कुछ ना कुछ तो हमें मिस करना पड़ेगा तभी तो हम दूसरा काम करेंगे। अब कल से फिर बच्चों का रेगुलर स्कूल शुरू हो जाएगा तो फिर ये सुबह सुबह क्लीनिंग वगैरह बाथरूम की नहीं हो पाएगी। और मेरा तो लेटर बाथरूम अलग अलग है, सेपरेट सेपरेट है, तो मैं एक एक दिन का सफाई का टारगेट लेती हूँ। तो जब मैंने आज ही जैसे कि संडे वाले दिन बाथरूम का साफ़ कर दिया तो मंडे वाले दिन टॉयलेट का साफ़ कर दूँगी। तो कुछ इस तरह से मैं साफ़ सफाई का ध्यान रखती हूँ अपने घर में, क्योंकि जब टॉयलेट साफ़ करूँगी तो मुझे सिर भी धोना होगा, तो इसी वजह से मैं मंडे को करूँगी उस काम को और मंडे को उसकी सफाई करके और फिर मैं सिर धो लूँगी अपना। तो लो जी हम नहा के भी आ गए हैं और पूजा भी हमने कर ली है, और पूजा करने के बाद में अब बनाएंगे खाना अपने लिए। और हमने अभी तक भी कुछ भी नहीं खाया है सुबह से, सिर्फ जो सुबह उठ के मैंने चाय पी थी वही पिए हूँ।
तो इसीलिए अब जल्दी जल्दी अपने लिए पराठे सेक लेती हूँ और फर्मा जी काटेंगे सलाद। और मैंने सब्जी तो बना ही ली थी भिंडी की, तो बस इसी तरह से मैं अपने घर के सारे काम रेगुलर वाले जो होते हैं उन्हें निपटाती चलती हूँ। और सानू खाता नहीं है भिंडी को, और यश ने भी मना कर दिया है कि मुझे भिंडी नहीं खानी है क्योंकि उसको फीवर है और उसके गले में परेशानी हो रही है और भिंडी में खटाई डालनी पड़ती है। चाहे खटाई ना भी डालूँगी लेकिन नींबू तो डालना ही पड़ेगा, तो उसको बिल्कुल खट्टा वगैरह के लिए मना कर रखा है डॉक्टर ने। तो मैं उन्हें उसके लिए दाल बना दी है और शानू भी दाल उसका ही इस्तेमाल में लेगा खाने में। तो कुछ इस तरह से ही मैंने बच्चों के लिए दाल वगैरह की तैयारी कर दी है और अब मैं अपने लिए सेक रही हूँ पराठे। तो मैं अपने लिए और वर्मा जी के लिए दोनों के लिए पराठे सेकूँगी और बच्चों के लिए बना दूंगी रोटी, तो वो दोनों खा लेंगे दाल रोटी और हम खा लेंगे भिंडी की सब्जी के साथ में पराठे। तो इधर हमारी दाल तैयार हो चुकी है और मैंने इसमें तड़का वगैरह सब लगा दिया है। अब बस इसको हल्की सी गर्म करके और बच्चों को दे दूंगी रोटी के साथ में और वो लोग खाना खा लेंगे और साथ में मैं भी उनके खाना खा लूँगी। अभी हमारी सलाद कटी नहीं है तो खाना बना बना के मैं रख दूँगी क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ हो गई है शुरू, और गर्मी के कारण ना अब किचन में रुका नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी है। तो यहाँ पे वर्मा जी भी आ गए हैं और वो कह रहे हैं लाओ हटो जल्दी से, मैं तैयारी करता हूँ सलाद बनाने की। अब देखिए छोटी सी किचन है, उसमें या तो वो काम कर लें या मैं काम कर लूँ, तो दोनों एक साथ तो हम काम नहीं कर पाते हैं लेकिन हाँ कोशिश ज़रूर करते हैं। तो वो खड़े हुए हैं मेरे पास में ही और मैं बातें कर रही हूँ उनसे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और देखिए वीडियो को पूरा देखा कीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बहुत ज़्यादा इधर उधर सब तरह से करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरी बात को समझ सकते हैं अच्छी तरह से। और ये सुबह वर्मा जी ने खरबूजे काट के रखे थे तो ये खरबूजे निकले था फीका, तो इसमें वर्मा जी ने वो डाल के रख दी थी चीनी, तो बूरा तो ख़त्म हो चुका था। तो अगर आज मौका लगा तो मैं मार्केट ज़रूर जाऊंगी और जो घर का राशन ख़त्म हो गया है वो लेकर आऊंगी, और दिन है संडे का तो अच्छे से सामान भी लेके आ सकती हूँ, और घर में मेरे पास में बच्चे भी आएंगे और वर्मा जी भी आएंगे। तो इसी तरह से मैं हो सकता है आज मार्केट जाके अपने घर का राशन वगैरह लेकर आऊँ। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।